सभापति महोदय, मैं अप्रोप्रिएशन बिल 2022 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, इस बिल में सबसे ज़्यादा अमाउंट फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए प्रोवाइड किया गया है, एंड द अमाउंट अबाउट 1,09,000 करोड़। और इस बजट में कुल मिलाकर जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी होगी वो लगभग 2,14,000 करोड़ रुपए की होगी। सती महोदय, सदन को ये मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो फर्टिलाइजर का इनपुट है और जो फर्टिलाइजर है उसके मूल्यों में बहुत अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि किसानों पर कोई बोझ पड़े, और इसलिए किसानों पर बोझ नहीं पड़े इसीलिए इतना बड़ा ये बजट में प्रावधान किया गया है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि यूरिया का जो दाम है वो एमआरपी है 266.50, 266.50 प्रति बोरा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत कितनी है तो 2,450 रुपया, यानी एक बोरे पर 2,183 रुपीज हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारे देश के किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़े। और जो डीएपी है, जो डीएपी फर्टिलाइजर है, उसका एमआरपी है 1,350, 1,350 रुपये, और हम कितना दे रहे हैं सब्सिडी 2,501, 2,500 रुपया प्रति बोरा हम डीएपी पर सब्सिडी दे रहे हैं। तो सती महोदय, इसलिए जो बजट में इतना बड़ा प्रावधान किया, इसका कारण यही है कि किसानों पर बोझ नहीं पड़े। दूसरा, एक जो बहुत बड़ा अमाउंट सब्सिडी का प्रोवाइड किया गया, दैट इज फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एंड इन दिस बजट वी प्रोवाइडेड 60,000 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और सदन को ये मालूम है कि 80 करोड़ लोगों को 28 महीने से 5 किलो अनाज प्रति महीना मुफ्त में सरकार की ओर से दिया जा रहा है, एंड ऑलरेडी द गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग 3,90,000 करोड़ ओनली फॉर दिस प्रोवाइडिंग 5 kg रेशन फ्री फॉर ऑल द पुअर पीपल, 80 करोड़। और सती महोदय, IMF की एक स्टडी आई है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, और स्टडी ये कहती है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कारण कोविड के दौरान जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, जो अत्यधिक गरीबी थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसको भारत 0.8% पर रिटेन करने में, यानी बरकरार रखने में सफल रहा है। अगर ये गरीबों का अनाज नहीं मिलता तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और सती महोदय, हम लोगों ने इस देश के अंदर सारे राशन कार्ड को डिजिटाइज कर दिया, सारे राशन की दुकानों पर पॉस मशीन लगा दिया। आज कोई भी गरीब आदमी किसी दुकान पर जाकर और राशन ले सकता, अंगूठा लगाएगा राशन लेगा, कोई ब्लैक नहीं है, कोई धांधली नहीं कर सकता है। और इतना ही नहीं, तो आधार बेस्ड इस व्यवस्था को करने का परिणाम ये हुआ है कि 4,70,00,000 4,70,00,000 जो फेक राशन कार्ड था वो रद्द किया जा चुका है। और सती महोदय, इन्हीं सारी चीज़ों का परिणाम हुआ है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक संस्था के द्वारा एक स्टडी किया गया और इंडेक्स 22 निकाला गया जो जाना जाता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। उस रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 से 2020-21 तक इस देश के अंदर 41,50,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सका है, 41,50,00,000। और गरीबी की जो दर है, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, दैट इज डिक्रीज फ्रॉम 55% टू ओनली 16%। तो सती महोदय, जहां 5-06 में इस देश के अंदर 64 करोड़ लोग गरीब थे, 15-16 में घटकर 37 करोड़ हो गए, और आज जो वो घटकर 2019-21 में घटकर 22.8 करोड़ हो गए हैं। तो सती महोदय, कोविड के दौरान और इस दौरान
जो सारा प्रयास किया गया उसी का ये परिणाम है। सत्यम महोदय, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरी दुनिया को भारत ने नए नए इनोवेशंस के द्वारा और बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट किया है। जहाँ वेस्ट का जो डिजिटल मॉडल है, पश्चिम का जो डिजिटल मॉडल है, वो बिग टेक कंपनियां हैं, अमेजॉन, गूगल, मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, चाइना का अलीबाबा, टेंसेंट और पूरी दुनिया, डिजिटल दुनिया जो इसी से डोमिनेट कर रही थी। लेकिन हमारा डिजिटल मॉडल क्या, भारत का डिजिटल मॉडल क्या है? पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है। हमने जैम, जिसके अंदर आधार कार्ड, जनधन योजना, 47 करोड़ लोगों का जनधन खाता खोला गया, 120 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आधार प्रोवाइड किया गया, लोगों के पास मोबाइल फोन है और आज उसी का परिणाम है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दुनिया के अंदर, अमेरिका में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, लेकिन भारत में डीबीटी के माध्यम से अभी तक 26 लाख करोड़ का ट्रांसफर गरीबों के खाते में डायरेक्ट किया जा सका है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि जहां एक और 4 करोड़ 70 लाख रेशन कार्ड को रद्द किया गया, वहीं 4 करोड़ 11 लाख एलपीजी के जो फर्जी कनेक्शन थे उसको भी जो उसके कारण रद्द किया जा सका है। और सत्यम महोदय, 2021 मार्च तक इस डीबीटी के कारण करीब 2,22,000 करोड़ की बचत और भारत को हुई है। और सत्यम महोदय, आज तक माना जाता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो पश्चिम के देश हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी हैं, वही लोग इनोवेट करते हैं, लेकिन हमने डिजी लॉकर, ये भारत की देन है, कोविन में 220 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन के, जो 220 करोड़ जो वैक्सीन के डोजेज लगे, ये कोविन पर पूरा का पूरा उस डोजेज को रिकॉर्ड किया गया, डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया। आज अमेरिका और यूके में भी डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करना बहुत कठिन काम है, लेकिन कोविन की जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, आज जैसी वैक्सीन लगा लोगों को तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट और प्राप्त हो गया। वैक्सीन का मैनेजमेंट इसके द्वारा हमने किया। सोती महोदय, यूपीआई ये भारत की देन है। और यूपीआई के अंतर्गत सोती महोदय, जहां 2016 में केवल 1 लाख ट्रांजेक्शन हुआ था एक साल में यूपीआई के माध्यम से, केवल 1 लाख, और कितना अमाउंट, 6,592 करोड़। और मैं सदन को बताना चाहूँगा, इस यूपीआई के माध्यम से जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है, एक महीने में केवल अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ ट्रांजेक्शन एक महीने के अंदर यूपीआई के माध्यम से हुआ सती महोदय, और 12 लाख करोड़ रुपए का एक महीने में डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ। ये यूपीआई की ताकत। और आज इस यूपीआई की ताकत का परिणाम है कि सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सारे देश, और वहाँ पर आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सती महोदय, डिजिटल सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी, हमने ई रुपी निकाल दिया। दुनिया में 10-11 देश होंगे जिन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, भारत उनमें से एक है। अब आपको रुपया पॉकेट में रखने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पर जो डिजिटल, जो 100 रुपये का जो नोट है, वो डिजिटल फॉर्म में आपके मोबाइल पर आ जाएगा। और सती महोदय, हम लोगों ने ई रुपी को भी लॉन्च कर दिया है। और इतना ही नहीं सती महोदय, तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसकी एक स्टडी है, वो ये कहती है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने 10 वर्षों में जितना हासिल किया है, सामान्य स्थिति में उतना हासिल करने के लिए 50 साल लग जाते, लेकिन वो 10 साल में उसको हम लोगों ने और हासिल कर लिया। तो सती महोदय, ये भारत की देन है। सती महोदय, मोबाइल फोन, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय 92% मोबाइल फोन हम जो इस्तेमाल कर रहे थे वो इम्पोर्ट हुआ करते थे, और आज 2022 में 97% मोबाइल फोन ये इम्पोर्ट नहीं होते, ये मेड इन इंडिया के मोबाइल फोन है जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सती महोदय, 2014-15 में मोबाइल फोन का उत्पादन था 18,900 करोड़, इट इज इंक्रीज 14 टाइम्स एंड नाउ वर प्रोड्यूसिंग अबाउट 2,75,000 करोड़ वॉल्यूम का मोबाइल फोन का हम उत्पादन कर रहे हैं, और केवल मोबाइल फोन का 75,000 करोड़ के मोबाइल फोन हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। सती महोदय, जो एप्पल है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, एप्पल, ये एप्पल का, इस एप्पल कंपनी ने पीएलआई का लाभ उठाकर 20,000 करोड़ के आईफोन
अप्रैल से दिसंबर के बीच में भारत से और एप्पल के आईफोन एक्सपोर्ट किए गए हैं। सती महोदय, जब पिछले साल 11,000 करोड़ का आईफोन 21-22 में और एक्सपोर्ट किया गया था, वहाँ इस साल ये बढ़कर 20,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। और टोटल जो मोबाइल का एक्सपोर्ट है उसे करीब 50% केवल एप्पल के आईफोन से हैं। साथ ही बैंकिंग के क्षेत्र में भी जो भारत सरकार ने काम किया है, आज भारत के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, करीब 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मुनाफा सेकेंड क्वार्टर मिलाकर इस साल 40,000 करोड़ का मुनाफा हमारे भारत के बैंकों ने अर्जित करने का काम किया है। और हमारा जो NPA था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो जहां मार्च 2018 में 11% था, वह घटकर 5.9% पर पहुंच गया है। सती महोदय, मुद्रा लोन 19,78,00,000 लोगों को मुद्रा लोन के तहत 13,64,000 करोड़ का लोन दिया गया है। उसका NPA कितना है? रघुराम राजन मजाक करते थे और कहते थे कि आप जो मुद्रा लोन दे रहे सारा NPA हो जाएगा। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जहाँ बैंकों का NPA 5.9% है, टोटल लोन का वहाँ मुद्रा लोन का NPA केवल 3.38% है। इसका मतलब है कि इस देश का गरीब कर्ज लेने के बाद वापस करता है, भले इस देश के गरीब वापस न करते हों। सती महोदय, पूरे साउथ एशिया के अंदर बगल के पड़ोसी श्रीलंका का क्या हाल है? इन्फ्लेशन 70%, आंदोलन, वहां के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। बगल के पाकिस्तान का क्या हाल है? वहां डिफॉल्ट में जाने का खतरा पैदा हो गया, कब वो डिफॉल्ट में चले जाएंगे पहले पता नहीं। बांग्लादेश को जो कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश भारत से ज्यादा है, उसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास जाना पड़ रहा है 37,000 करोड़ का लोन लेने के लिए, सहायता लेने के लिए। नेपाल का विदेशी मुद्रा संकट में है। और सती महोदय, और इस समय इस निराशाजनक माहौल में अगर एक चमकता हुआ सितारा अगर कहीं दक्षिण एशिया में दिखाई पड़ता है, तो वह चमकता सितारा भारत है, भारत के अलावा कोई दूसरा नहीं है। सती महोदय, हमने कोविड का बेहतर तरीके से मुकाबला किया है। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ब्याज दर है वो अमेरिका और यूके की तुलना में बहुत कम है। हमारा इन्फ्लेशन केवल 5.88% है, जबकि अमेरिका और यूके का इन्फ्लेशन रेट 9 और 10% पर पहुंच चुका है। सती महोदय, हमारा जो विकास दर है, ग्रोथ रेट, इस साल 6.8% रहने की संभावना है, जो वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट भारत की रहने की संभावना है। सती महोदय, इतना ही नहीं, जिस ब्रिटेन ने हम पर 150 साल तक राज किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़कर, पीछे छोड़कर, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज़ादी के 75वें वर्ष के अंदर जब हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। और मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा, हम 2022 में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, और 2029 में हम जापान को भी पीछे छोड़ देंगे और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरी दुनिया के अंदर बन जाएंगे। सती महोदय, और 2029 के अंदर अमेरिका और चाइना को छोड़कर यही दो होंगे जो हमसे आगे होंगे, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। और 2048 में इस बात की संभावना है कि अमेरिका को भी भारत ओवरटेक करने की क्षमता भारत के अंदर है, इस बात की पूरी संभावना है। और सती महोदय, और इसलिए जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और सती महोदय, मैं इस समय सदन के अंदर एक बात का जिक्र करना चाहूँगा, अगर देश आगे बढ़ेगा जब राज्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की गई है। मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, और यहीं चिदंबरम साहब बैठे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम इस देश में जो प्रारंभ हुई थी, उसको सारे राज्यों को एक फोरम पर लाने का काम किया था। और अब कई राज्य सरकारें कह रही कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे। सती महोदय, इस समय 5,76,000 करोड़
5,76,000 करोड़ पर ईयर हमको केवल पेंशन के रूप में स्टेट और सेंटर को और भुगतान करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश का जो उसका ओन टैक्स रेवेन्यू है उसका केवल पेंशन में कितना जाता है 80%, यानी उसका जो अपना राजस्व उसका 80% वो केवल पेंशन पर उसका व्यय हो रहा है। बिहार का 60%, पंजाब का 34%, और अगर सैलरी और इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए तो राज्यों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आज का बोझ भविष्य की पीढ़ी पर डालना ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इट इज सिनफुल, अनप्रिंसिपल्ड, अनएथिकल टू क्रिएट लाइबिलिटीज टू गवर्नमेंट इन फ्यूचर। आने वाली पीढ़ी के लिए बोझ छोड़कर जाए ये कदापि उचित नहीं होगा। आज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि 2034 में जो सरकार आएगी सती महोदय उसकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी और भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे जिनकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। इसे मैं सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के भूत को मत जगाइए, एक बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़े संकट में हम पूरे देश को डाल देंगे। सती महोदय, साथियों, सती महोदय जो लोग नीरव मोदी की बात करते थे कि नीरव मोदी भाग गए कब लौट कर आएंगे, तो सदन को मैं बताना चाहूंगा कि नीरव मोदी का ब्रिटेन में जितने भी लीगल ऑप्शन है सारे के सारे लीगल ऑप्शन समाप्त हो चुके हैं। और हो सकता है कि अगर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने या ब्रिटेन ने उसको असाइलम नहीं दिया तो अगले 28 दिनों के भीतर नीरव मोदी और भारत लौटकर आ सकते हैं। सती महोदय अभी तक हम अपना जो विदेश का व्यापार करते थे वो डॉलर में करते थे, लेकिन ये पहली बार आजादी के बाद अब दुनिया के अंदर रशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, इन देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये डॉलर के बजाय रुपी के अंदर ट्रेड होना प्रारंभ हो गया है। और स्पेशल वॉस्टो रुपी अकाउंट इन तीन देशों के बैंक में बाइलेटरल ट्रेड थ्रू और वॉस्ट्रो अकाउंट के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और अंत में सती महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की अर्थव्यवस्था हम देश को पहुंचाना चाहते हैं। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, 413 लाख करोड़। अभी हमारा GDP 258 लाख करोड़ है एंड वी वॉन्ट दैट इंडिया शुड अचीव 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का मतलब 413 लाख करोड़। और 2026-27 तक भारत हर हालत में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि जब भारत आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा 2047 में, तब तक हम भारत को एक विकसित देश में परिवर्तित करने में सफल होंगे। तो 2047 तक आज जो एक विकासशील भारत है 2047 तक वो विकसित भारत के अंदर और परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए सती महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो काम हो रहा है और जहां UPA के सरकार में एक से एक बड़े विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, उनके ज़माने में इन्फ्लेशन का क्या हाल था, उनके ज़माने में करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हाल था, उनके ज़माने में ग्रोथ का क्या हाल था। और आज निर्मला सीतारमण जी यहाँ बैठी और आज देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था में भारत को बदलने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।